सागर पांडे आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की विशेष खबरों की ओर। आपके शहर चकई का एकमात्र शोरूम कोमा की ई बाइक्स, आइए हमारे शोरूम पर और आसान किस्तों में लेकर जाइए इलेक्ट्रिक से चलने वाली स्कूटी, बाइक, ई रिक्शा आदि। इसमें ना पेट्रोल डलवाने की चिंता और ना ही रजिस्ट्रेशन का टेंशन। हमारा पता है केसरी इंटरप्राइजेज, वायरलेस चौक के समीप, गिरिडीह रोड, चकई, जमुई, बिहार। नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र दुम्मा के तरफ से सभी देवघर वासियों को सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छठ घाट पर पूजा करने पर प्रतिबंध के विरोध में युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी के नेतृत्व में मनईटांड़ की महिला पुरुष मंगलवार को मनईटांड़ छठ तालाब में खड़े होकर राज्य सरकार के फैसले का विरोध जताया। धार्मिक भावनाओं से खेलना बंद करे सरकार, छठ घाट पर प्रतिबंध हटाए सरकार, सरकार को हमारी मांग माननी होगी, सरकार अपना निर्णय वापस ले, आदि स्लोगन लिखे पोस्टर के साथ सभी ने अपनी आवाज बुलंद की। इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन आजसू भाजपा के नेताओं ने भी किया। युवा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा, राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनजर छठ पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें छठ व्रतियों के घाटों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा में नदी तालाबों में जाकर सूर्य देव को अर्घ अर्पण करने पर रोक कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हिंदुओं के इस महान छठ पर्व में अर्घ देने की परंपरा वर्षों पुरानी है। परंपरा के विपरीत सरकार का निर्णय समझ से परे है। कोविड-19 के तमाम नियमों का कड़ाई से पालन कराते हुए व्रतियों, श्रद्धालुओं को घाटों पर जाने की स्वीकृति सरकार को प्रदान करनी चाहिए। आजसू नेता पप्पू सिंह ने मोर्चा के आंदोलन को जायज बताते हुए सरकार से मांग की है कि घाटों पर पूजा करने पर प्रतिबंध हटना चाहिए। भाजपा नेत्री बॉबी पांडे ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सरकार धार्मिक भावनाओं से खेल रही है, व्रतियों को घाट पर जाने पर प्रतिबंध लगाना कहीं से जायज नहीं है। समाज सेवी हीरा साव ने कहा, सरकार ने प्रतिबंध जरूर लगाया है, पर इसके साथ साथ व्रतियों को वैकल्पिक व्यवस्था भी करानी चाहिए। हर किसी के लिए घर पर अर्घ देने की व्यवस्था कर पाना मुमकिन नहीं है। कोविड-19 के नियमों को लागू कराते हुए घाटों पर पूजा कराने की अनुमति दिया जाना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में संतोष कुशवाहा, जगदीश साव, रॉकी सिन्हा, पीयूष सिंह, सोनू गिरी, शिवम, पिंटू आदि शामिल थे। आज हम लोग मनईटांड़ छठ तालाब में पानी में आकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी पहुँची हुई है। यहाँ पर जो सरकार का चतुर्थी फरमान है कि यहाँ पर छठ घाट पर छठ नहीं होगा, जो लोग, जो गरीब लोग हैं, जो भाड़े घर में रह रहे हैं, उनके पास वो कहाँ पर पूजा करेगी, इसको तय सरकार करे और इसमें सुधार करे। नहीं तो हम लोग का जो भी यहाँ पर लाखों लाख की भीड़ लगती है, यहाँ पर पूजा होती है, हम लोग का यही डिसीजन है कि हम लोग छठ घाट पर ही पूजा करेंगे और सरकार को अपने फैसला वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू के बहुत बड़ा पर्व है और इसके साथ जो ठेस देने का काम कर रही है सरकार, उसमें बदलाव करें, क्योंकि छठ पूजा हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। सरकार फैसला नहीं लेती है तो आप क्या करेंगे? सरकार फैसला नहीं देती है, फिर भी माताएं जिनके जो छठ करती है, वो अर्घ देने का जो समय होता है वो घर में नहीं दे पाएगी, उन्हें आना ही होगा तालाब और वो तालाब पे ही पूजा करेगी। अपना परिचय दे। दिलीप सिंह, युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी। आज के लिए इतना ही, बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। धन्यवाद। छठ पर्व के शुभ अवसर पर बेंगाबाद प्रखंड वासियों, जिले के वासियों एवं पूरे झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई। ईश्वर से कामना करते हैं कि पूरा बेंगाबाद प्रखंड के लोग खुशहाल रहे एवं सुसंपन्न रहे।